माँ शैलपुत्री को समर्पित माँ आशा देवी मंदिर में उमड़ी भारी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने लगाए माता के जयकारे। आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन में कल्याणपुर स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आशा देवी मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ उमड़ी माता के दर्शन के लिए। बताते चले कि नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री माता हिमालय राज्य की पुत्री हैं, लेकिन उन्होंने रहने के लिए भगवान शिव की नगरी काशी को चुना था। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन से ही माता भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और सभी पर कृपा करती हैं। मंदिर के महंत आशुतोष गिरी जी महाराज आवाहन अखाड़ा ने बताया कि मंदिर में आए सभी भक्तों पर माता अपनी कृपा अवश्य बनाती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन हुई भक्तों सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है माता के दर्शन के लिए। रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट, जूनागढ़ गुजरात। क्या हर वर्ष आते हैं आप यहाँ? हाँ, हर वर्ष आते हैं। आज सुबह से आप भारी भक्तों की भीड़ दिख रही है। हाँ। आज नवरात्र का पहला दिन है। पहला दिन क्या कहना चाहते हैं भक्तों के लिए? भक्तों के लिए सदा माता आशा देवी मनोकामना पूरी करे, इनके हर इच्छा पूरी करे। हम भी हर साल नवरात्र में आते हैं गुजरात से। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो 8-9 वर्ष से आ रहे हैं। कहाँ निवास है आपका? जूनागढ़ गिरनार जत्तल सर जड़ेश्वर महादेव श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा। आश्रम वगैरह आपका? आख आश्रम है ना, जड़ेश्वर महादेव। माता का पहला दिन है नवरात्र का, शुभ दिन है आज ही। इसी दिन पे ये कराया है, कंचेदन कराया है। माता के दरबार में यहाँ जो भी आता है मनोकामना मानता है पूरी होती है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, आईआईटी के अंदर एक छोटी बस्ती है नानकारी, वहाँ से। कब से आ रहे हैं माता के दरबार में? कब से आ रहे हैं दर्शन करने? ये मान लीजिए कि हमने 15 से 20 साल हो गए। 15 से 20 साल। माता यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं? बिल्कुल मानना है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी करती हैं, 100% पूरी करती हैं। भक्तों, जो भक्त यहाँ पर आए हैं क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? दो शब्द। हम जब से यहीं रहे हैं 15-20 साल हो गए हैं, तब से यहाँ बराबर आ रहे हैं। हर नृत्य पे आते हैं, आशा मैया आशा दूज होती है वहाँ भी आते हैं। माँ आशा मैया सबकी आशा पूरी करती हैं। भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते? वो उनके लिए वही है कि मतलब सब लोग आओ दर्शन करो, माँ सबकी आशा पूरी करते हैं। उनका नाम है आशा, ये सबकी आशा पूरी करती हैं। मैं वैद्य कमल त्रिपाठी, मैं नवरात्र में काफ़ी टाइम से व्रत रहता हूं और आशा मंदिर के पास ही मेरा निवास है। मैं अक्सर यहां आता रहता हूं और माता के आशीर्वाद लेता रहता हूं, जिससे हमारे कार्य में और हमारे जो मैं डॉक्टर वैद्य हूं उन रोगियों को भी इनके दर्शन करने के बाद जब उन पर स्पर्श करता हूँ तो उनको भी लाभ होता है। तो यही प्रभु से प्रार्थना है कि हमें हर जैसे जो शक्तिपीठ हैं वहाँ हमको दर्शन मिलें और श्रद्धालुओं के साथ ऐसी भीड़ बनी रहे आशा मंदिर में और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करें आके और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लोगों का ये मानना है माता सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर सच्चा दरबार है पूरी करती हैं, क्या कहना चाहते हैं दो शब्द? हाँ, माता पे इतना आशा मैया पे इतना आशीर्वाद है सभी के ऊपर, जो भी यहाँ आता है कोई खाली नहीं जाता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी मनोकामना वैसी ही पूरी हो जाती है। भाव होना चाहिए तो कार्य अवश्य होंगे, क्योंकि अगर माता के ऊपर भाव हैं तो हमें पूरा विश्वास है उसके सब कार्य सिद्ध होंगे। और यही माता रानी का आशीर्वाद है, जिसके जैसे भाव हैं उसको वैसा ही पुण्य मिलता है, वैसे ही आशीर्वाद मिलता है। और भगवान और जिसके भाव नहीं भी होते हैं मगर माता के दर्शन करने के बाद उसके अंदर वो भाव आ जाते हैं और वो हमेशा आता रहता है माता के दर्शन करने, आशा मैया के दर्शन करने के लिए वो हर साल हर दिन और इनके दर्शन करता है। ये मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि माँ सीता का बहुत ही पुराना मंदिर है, आशा देवी के नाम से इसको जाना जाता है। जब बिठूर में माँ सीता रहती थी तो वो यहाँ पे घूमने आया करती थी, और जो हमारी आशा देवी माँ है ये उनकी सहेली हुआ करती थी। जब सीता माता यहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा मुझे कौन याद करेगा, तब उन्हें वरदान दिया था कि जो भी सच्ची आशा आपके पास लेके आएगा आप उसकी आशा पूरी करेंगी, तभी यहाँ का नाम आशा देवी रख पड़ा। और आज नहीं 55 वर्ष हो गए हम लोग को ये रामलीला कराते हुए। रामलीला के साथ साथ नवरात्र का भव्य आयोजन होता है, जिसमें बहुत दूर दूर के लोग भक्त लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं, और जिसका आप लोग को देख भी रहे हैं कितनी भीड़ है आज की तारीख में।
भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भीड़ आती है, भक्त दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्त आए, अपना प्यार से शांति से दर्शन करें, कोई भी भड़बड़ा ना मचाएं, क्योंकि मंदिर प्रांगण आपका ही है, समिति आपके साथ है। साफ सफाई का ध्यान रखें, कोरोना को बीमारी अभी भी गई नहीं है, तो थोड़ा उसका ही पालन करते हुए दूरी बना के दर्शन करें। यही हमारी संदेश है।